दोस्तों, आपने बड़ी डिटेल से पीएमबी, आपने बड़ी डिटेल से प्रोफाइलिंग, बिडिंग सब प्रीवियस वीडियोस में देख ली। टू बिगिन विद, बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो एस कर रहे हैं असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस को। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। इट मीन्स कि आप तमाम वीडियोस को क्लोजली फॉलो कर रहे हो और एक अच्छी फाउंडेशन आपने ले डाउन कर ली है टू एक्सेल एज अ फ्रीलांसर। इंशाल्लाह और अल्लाह आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। और वो दोस्त जो इस वीडियो पे जम मार के आए हैं, प्लीज़ जम मार के वापस चले जाएं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं लगनी अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं आएंगे। हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट अवार्ड की और हम बात करने जा रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स। प्रोजेक्ट अवार्ड दोस्तों क्या होता है? जैसे कि अब तक आपको बिडिंग सैम्पल्स है, वीडियो से इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप बिड करते हो तो दो मुमकिन आउटकम्स होते हैं। पहला मुमकिन आउटकम कि एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड, जिसको पीएमबी कहते हैं एब्रीवेशन, वो इनिशिएट कर देगा और आपसे बात कर लेगा। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। जब पीएमबी खुलेगा तो गुफ्त शनीद का आगाज़ होगा। कोई बात आप फ्लोट करेंगे, कुछ बात एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आपको पूछेगा, भेजेगा, सवाल जवाब सिलसिला चल पड़ेगा। वहाँ पे आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, दैट कम्स इनटू प्ले। दूसरी मुमकिन बात क्या हो सकती है? दूसरी मुमकिन बात है एम्प्लॉयर कहता है वाह, इसने जो 3 फार्मूला बिड में अप्लाई किया, विच कुड बी मॉकअप सेंट्रिक, विच कुड बी क्वेश्चन सेंट्रिक, विच कुड बी क्या कम्युनिकेशन सेंट्रिक। बेहतरीन, वो आपको डायरेक्ट अवार्ड कर दे। वो बिल्कुल डायरेक्ट अवार्ड होता है। अगर मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अपना 10 साल फ्रीलांसिंग करियर आपके सामने रखूं और डायरेक्ट अवार्ड्स के बारे में बताऊं तो नो लेस देन 50 अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मैंने बिड की और बगैर सवाल पूछे एम्प्लॉयर ने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया। चलें जी, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसको कुछ बात अच्छी नज़र आई होगी आपकी बिड में, आपके पोर्टफोलियो में, आपकी प्रोफाइल में, आपके रिस्पांस में, आपके बिहेवियर में इन अ बिड रिस्पांस। आफ्टर ऑल, बिडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट योर बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, राइट? जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स मैटर्स अ लॉट। फर्स्ट रिस्पांस कैसा होना चाहिए, फर्स्ट रिस्पांस कहाँ देना है, प्रोजेक्ट अवार्ड का बटन एक्सेप्ट कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। आइए जरा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर ने आपको प्रोजेक्ट अवार्ड किया, आप पे लाजिम है कि आप सबसे पहले, अवार्ड एक्सेप्ट करने से भी पहले, आप अपनी बिड को दोबारा रिव्यू कीजिए। इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि जब आप नंबर्स पे फोकस कर रहे होते हैं बिड्स के, तो आपने प्राइस शायद कम रख दी हो। एन मुमकिन है कि आप जो रिक्वायरमेंट है उसको ओवरव्यू तो ज़ाहिर है समझ गए होंगे, बट उसको डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ना करके गए हों। तो आप पे लाजिम है कि आप एक दफ़ा दोबारा प्रोजेक्ट प्लेसमेंट, जो कि एम्प्लॉयर ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, और अपना रिस्पॉन्स रिव्यू करें। उसकी वजह यह है ख़्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया, ये वो बाइंडिंग है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड यू एज अ फ्रीलांसर एट अ फ्रीलांस मार्केटप्लेस, जिसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस अगर म्यूचुअली एग्री हों तो रिवाइज होती हैं, वरना नहीं होती। बाइंडिंग कैसे? सिंपल वर्ड्स है जो कि एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। इट्स अ बाइंडिंग बिटवीन यू एज अ फ्रीलांसर, एम्प्लॉयर एज द क्लाइंट and freelance marketplace as a resource which binds or acts as a bridge between freelancer and an employer. तो award accept करने से पहले सबसे पहले अपना bid response review कीजिए। Award accept करने से पहले employer का project brief पढ़िए। उसके बाद फिर भी rush नहीं करना कि सीधा award का button accept कर लें। प्राइवेट मैसेज बोर्ड पीएमबी पे जाएं, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो चुका होगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए तो आपके लिए तमाम बंदिशें खुल जाती हैं, इनवॉइस तक की भी। तो आप पीएमबी में सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कीजिए एम्प्लॉयर का, उसका उसको कर्टिसी दिखाई है कि जनाब आपने मुझे अवार्ड दिया विदाउट कम्युनिकेशन, जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्या हम स्काइप कन्वर्सेशन कर सकते हैं? सवाल फेंकना अवार्ड का बटन एक्सेप्ट करने मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि जब आप एम्प्लॉयर को स्काइप कन्वर्सेशन या वीडियो कन्वर्सेशन पे लेके आएंगे तो यू विल क्लैरिफाई ऑल कन्फ्यूजन्स, ऑल क्वेश्चंस यू मे हैव रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। एंड मुमकिन है कि स्काइप और वीडियो कन्वर्सेशन के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो प्राइस को अफेक्ट करे। अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद आप प्राइस ऑल्टर नहीं कर सकते, बट आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ऑल्टर ज़रूर कर सकते हैं कि यार जब मैंने इनिशियल बिड की थी, जब आपका इनिशियल प्रोजेक्ट था, इससे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, बट आपके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये काम एक्स्ट्रा है, इसमें इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और इसकी ये प्राइस है। फ्रीलांसिंग इज़ ऑल अबाउट यू नो टू थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे, वन द टाइम लाइन टू फिनिश अ प्रोजेक्ट एंड द सेकेंड इज़ द प्राइस फॉर दैट प्रोजेक्ट, टू कम्प्लीट दैट प्रोजेक्ट। सो मेरे नज़दीक फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ मैंडेटरी। फ़ौरन रिप्लाई कीजिए पीएमबी में, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, कर्टिसी शो कीजिए और उससे सवाल पूछिए कि जनाब हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है। अगर तो वो कहे कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कन्वर्सेशन करने में, एम्प्लॉयर की मर्जी है जी, तो फिर बेहतर है कि आप फ़ौरन प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट करके अपना काम सिलसिला आगे चलाइए। अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे।